बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNS सियासी रीप स्टेट। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमरीका जा रहे हैं, जहां पर वो न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां पर मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने उनके इस्तकबाल के लिए ख़ासी तैयारियाँ शुरू की हैं और काफ़ी दिलचस्प तैयारियां की हैं। इस पर बात करने से पहले ज़रा हम चलती हैं लंदन, जहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनकी मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब से, जो कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान से मफरूर हैं, इश्तहारी हैं और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। तो जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है उन इमारत के बाहर पाकिस्तानियों ने खासा एहतजाज किया है, और इस एहतजाज में न सिर्फ नून लीग के लोग भी शामिल थे जो कि मुकाबला कर रहे थे PTI के लोगों का। तो जहाँ पर ये एहतजाज हुआ है वहाँ काफ़ी शोर शराबा मचा, और एक अद जगह पर नवाज शरीफ साहब के जो गार्ड थे उन्होंने PTI के एहतजाज करने वाले अफराद पर काफ़ी जदोकोब करने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन जो PTI के कारकुनान हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद रहे और गार्ड्स ने भी काफ़ी खासी मज़ाहमत करने की कोशिश की। तो इसके बारे में मुख्तलिफ ट्विटर सारफीन अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ज़रा उसके बारे में देखते हैं। एक ट्विटर सारफ कहते हैं ये जहां भी जाएंगे और या फिर ये मरीख पर भी चले जाएं तो वहां पर भी इनके साथ यही होगा। अब चलती हैं ज़रा न्यूयॉर्क की जानिब, जहां पर इनकी खासी और नहायत ही तशवीशनाक किस्म की एहतजाज के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वहाँ पर अगर जो पोस्टर्स हैं उनकी तस्वीर देखी जाए तो उनके ऊपर जो तस्वीर दर्ज दिखाई गई हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब दिखाए गए हैं और उनके साथ लिखा गया है चोर चोर चोर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इस तरह के जो है स्लोगन्स दिए गए हैं, चोर हुकूमत ना मंजूर, क्राइम मिनिस्टर चोर चोर के नारे लगे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम का खिताब जो दिया गया है उसको लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं वाज़े कर देना चाहूँ, जो भी लोग चेरी ब्लॉसम कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि चेरी ब्लॉसम वो तो जिस ज़ुमरे में लेते होंगे या नहीं, उनको वाज़े कर देना चाहता हूँ, और बल्कि ये तो PMLN के जो साथी हैं उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये चेरी ब्लॉसम कोई बुरी चीज़ नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत एक पौधा होता है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी तस्वीर तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर देता है जब ये अपने जोबन पर दिखाई देता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है जिसका हवाला दिया जाता है चेरी ब्लॉसम का। सो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, होनी चाहिए। खैर, क्या ये तो मैंने आपसे अपनी ये आरा शेयर की जो ट्विटर पर दी गई हैं, लेकिन हमें ज़रा अगर मैं अगर अपनी राय देना चाहूँ तो मेरे ख़्याल से, क्योंकि वो एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, तो लिहाजा इस तरह से गैर मुनासिब है करना। अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ लेकिन बड़े महज़ अंदाज से करवा दिया जाए तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप शूटिंग करें तो न सिर्फ इससे बदमजगी पैदा होगी और दूसरा ये है कि माहौल बेहतर नहीं होगा।
एक अच्छी तस्वीर जो है वो दूसरे लोगों को पाकिस्तान की नहीं पेश होगी। बहरहाल जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, जो इज़्ज़त अफज़ाई उनकी होनी है वो तो होनी है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, रोक सकते, लेकिन बेहतर है, बेहतर माहौल में सब कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। मिलते हैं किसी और भी लॉग में, तब तक इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।